यहाँ कुछ भाई रोड की जो हालत देख सकते हो वो कुछ इस प्रकार है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई यह ब्लॉग है जो हमारे गांव से रास्ता जाती है बरौलिया की तरफ, तो इसका रुख करा रहा हूँ इस वीडियो में। तो भाई इसका रास्ता दिखाता हूँ कैसा कैसा कीचड़ भरा रास्ता है, जो भाई दुद्दे फिट के गड्ढे हुए पड़े हैं और बारिश थोड़ी सी होने पर ही बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, इस पर निकलना भी दुश्वार होता रहता है। तो यहाँ पर थोड़ी ना जगह ऊंची है तो यहाँ सही है जगह, और आगे की तरफ तो बहुत ज़्यादा गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं और थोड़ी ही बारिश हुई है अभी फ़िलहाल, जो बारिश का टाइम लगना शुरू हुआ है। और यहाँ से भाई सारा का सारा जगह बेकारी हो जाता है, जहाँ ऊंची पड़ जाती है वहाँ खेतों में पानी चला जाता है, बाकी की नीची जगह ज़्यादा है। और यह रास्ता जाता है भाई खेतों की तरफ और इधर से जाता है भाई बरौलिया की तरफ। यह रास्ता है जो भाई हमारे गांव से होकर जाती है बरौलिया की तरफ, जो केसरपुर से बरौलिया और मिलती है जाकर सैसवान और बिसौली वाले हाईवे पर। तो इस रोड का हालत देख सकते हो कुछ, यहाँ तो फिर भी ठीक है, आगे की तरफ बहुत ज़्यादा बेकार है। तो बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बेकार ही हो जाती है सड़क। अभी थोड़ी ही बारिश हुई है, मतलब बारिश शुरू होने वाली है, तो कुछ इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। इसके साइड का व्यू देख सकते हो भाई, एक सरकारी ट्यूबवेल है, मैंने इसकी वीडियो भी डाली एक। भाई आगे देख सकते हो, आगे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है। यहाँ कुछ भाई रोड की जो हालत देख सकते हो वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ भाई इतनी ज़्यादा चौड़े रोड में भाई उतनी ही जगह बचती है निकलने के लिए, कितने में भी निकल जाओ। तो इस रोड की भाई हालत देख सकते हो, और अभी कुछ हालत यहाँ की देख सकते हो, जो यहाँ पर भाई गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं। यहाँ पर इतनी जगह बच जाती है लमसम दो फुट, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो एक फुट भी नहीं बचती निकलने के लिए, भाई पानी में ही होकर जाना पड़ता है। तो इस रास्ते के लिए भाई कुछ सरकार ने कदम उठाई नहीं है आज तक, और जो भाई एक्सप्रेस वे बन रहे हैं इतने तो चौड़े रोड निकाल रही है, मगर उनमें रुपये बहुत ज़्यादा खर्च करती है सरकार। मगर जो भाई गाँव से होकर जाते हैं ये रास्ते, इनको कुछ नहीं, इनका भाई बहुत बुरा हाल है। इससे भी ज़्यादा बेकार बेकार रास्ता है अगर हमारे गांव की ना देखें तो, और बहुत से गांव में इससे भी ज़्यादा बेकार रास्ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं जो रास्ते के आ चुका हूँ 200 मीटर दूर मंदिर से, और यहाँ का जो हालत देख सकते हो रास्ते का, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:18 हो रहे हैं। और यहाँ भाई देख सकते हो कितना बड़ा गड्ढा है, मैं पीछे का व्यू दिखा देता हूँ। भाई इस साइड से इतनी जगह बची है और उस साइड से इतनी जगह बची है, इधर साइड से पानी निकलने का रास्ता है, जो ज़्यादा बारिश होगी तो निकलेगा इधर से, बाकी काट दिया जाएगा पानी तो निकलने लगेगा। और यहाँ रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, अब आगे ऊंचा है तो आगे सही है, थोड़ी उससे बाद में बहुत ज़्यादा ख़राब है